बोले मुंडा कौन था? अच्छा अच्छा वाली साइड तो आ रही थी, रोड वाल जा रही थी गड्डी, गड्डी वाला बहुत ज्यादा ओवर स्पीड दे रही थी ते इतो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुई। इतने जिम्मे गड्डिया खड़ी हुई थी, स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े हुए थे पर्ची वास्ते, अनबैलेंस होके इतने जो मुंडे बैठे हुए थे खाना वगैरह खा रहे थे, इन्होंने बस बिल्कुल उपर लिया चढ़ाती गड्डी के नीचे आ गए सारे। दो मुंडे तो बिल्कुल डेड ही हो गए। जब आप गड्डी खींची बाहर, एक मुंडे को सलोड़ भेजा डिस्पेंसरी, एक मुंडे को बीबीएम भेजा। एक तो उन्हें सपोर्टिंग हो गया, दूसरा शायद कह रहे कि नंगल कुड़ता था जी। एक्सीडेंट हो गया जी, मौके सारी मार्केट ने कट्ठी हो गई, गड्डी पिछे करी जी, दो बंदे ज्यादा जख्मी जी, सास कुछ नहीं चलता जी, एक नो असी एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल भेजा जी, शायद उन्होंने अगे रेफर करते जी, ये पता नहीं गल जी। ठीक है, जो मुंडा चला रहा था जी, एड्रेस एड्रुस लोकल बंद ने लिया जी, पुलिस ने आके उन्होंने जब्त कर लिया बंदे। गड्डी च फिलहाल तो लोग तो कह रहे वध जाने दे, पांच छह जाने दे, पूरी गड्डी फुल थी जी, जो मुंडा आया जी ड्राइवर हाथ एक ही आया जी। नौकरी की है, दो मिनट पहचान गए की हादसा क्या हो। दुर्घटना हुई है, मौके पर कार्रवाई, जब हम यहाँ पहुँचे तो एक व्यक्ति की जो जिसका नाम जो है रणजीत सिंह सन और कृष्ण सिंह है, उसकी मौके पर डेथ हो चुकी है। दो लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से एक जो संतोषगढ़ में उपचाराधीन है और एक नंगल में। अभी तक जो जानकारी आ रही है, एक लड़का और जिसकी डेथ हो गई है, वो उसके बारे में आपके पास है कोई जानकारी? नहीं, एक ही हुई है, नहीं दूसरे अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं। जो यहाँ मौके पर बता रहे हैं? नहीं नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, हमारे ऑफिशियल कुछ नहीं है हमारे पास। आप संतोषगढ़ पुलिस चौकी चौकी इंचार्ज चौकी इंचार्ज संतोषगढ़ पुलिस चौकी के इंचार्ज जयेश कुमार जी मौके पर।